तो फ्रेंड्स हमारे अपने मोबाइल के स्क्रीन पर सबसे पहले आपको स्नैपचैट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको अगर अपनी ईमेल आईडी को चेंज करना है तो आप कुछ ही मिनट के अंदर इजीली अपनी ईमेल आईडी को चेंज कर सकते हो। कंप्लीट इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट लास्ट तक देखते रहना है और कंप्लीट आपको बिल्कुल बिना स्किप किए देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको दो प्रोसेस बताने वाला हूँ, दोनों को आपको फॉलो करना है। 100% आपकी जो ईमेल आईडी है वो आपकी चेंज हो जाएगी। ईमेल आईडी चेंज करने का फ्रेंड्स यही रीज़न है कि आप जो भी कभी स्नैपचैट से आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट किसी भी अगर आप वाउचर बनाते हो मंत्रा का किसी का भी अमेजोन का ठीक है, तो फ्रेंड्स यहां पर आपको अगर गलत ईमेल आईडी होती है तो आपका वाउचर किसी गलत ईमेल आईडी पे चला जाता है और आपको ईएमआई पे करनी पड़ती है और आपको वाउचर आपका वापस मिलता भी नहीं है। तो फ्रेंड्स आप अपनी ईमेल आईडी को किस तरह से चेंज कर सकते हो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट यही प्रोसेस बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको स्नैपचैट एप्लीकेशन को ओपन करना है, इसके बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये 3 लाइन दिख रही है ऊपर, बस आपको इस वाले पर क्लिक करना है और यहाँ पर सबसे पहले आपको सबसे लास्ट में यहाँ पर नीचे की तरफ जाना है ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर काफ़ी सारे यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन दिखेंगे ठीक है। यहाँ पर माय ऑर्डर का है, कॉन्टैक्टर्स का है, प्राइवेसी पॉलिसी का है, टर्म्स कंडीशन का है और क्रेडिट प्रोफाइल का है ठीक है। तो यहाँ पर सबसे लास्ट में जो आपको क्रेडिट प्रोफाइल का वाला सेक्शन दिख रहा है, बस आपको इस वाले पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी क्रेडिट पॉलिसी रेटिंग दिखाएगी, अगर आप न्यू यूज़र हो चाहे आप ओल्ड यूज़र हो तो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि आपने जो भी आपकी ईएमआई है वो आपने टाइम टू टाइम पेमेंट की है, टाइम से पहले की है और आपने लेट की है तो भी यहाँ पर शो करेगा। जैसे कि फ्रेंड्स आप मेरे देखते हो यहाँ पर मुझे जो टोटल ईएमआई है 43 में से मैंने यहाँ पर 40 ईएमआई अर्ली पेमेंट किया, यानी कि जल्दी पेमेंट कर दिया डेट से पहले ही ठीक है। तो फ्रेंड्स अब आपको ईमेल आईडी चेंज करना है तो इसके लिए काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पर आपको अपनी एक ईमेल आईडी दी हुई होगी, वो ईमेल आईडी आपको चेक करनी है ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि ये ईमेल जो भी आपने यहाँ पर डाल रखी है वो ईमेल आईडी आपकी सही है या नहीं है ठीक है। अगर आपकी ईमेल आईडी आपको गलत लगती है तो फ्रेंड्स सिंपल आपको यहाँ पर एक एडिट का ऑप्शन दिखाएगा ठीक है, एडिट वाला, बस आपको इस एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे आप एडिट वाले पर क्लिक करते हो तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको अपनी जो भी पहले आपने मेल आईडी डाल रखी है वो यहाँ पर शो होगी, दिख जाएगी यहाँ पर। इसके बाद में आपको नीचे आपको दिखेगी न्यू ईमेल आईडी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सिंपल आपको जो भी आपकी नई ईमेल आईडी आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हो वो नई वाली ईमेल आईडी आपको इस वाले सेकंड वाले बॉक्स में आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। ध्यान से करनी है, एकदम सही से यहाँ पर आपको कंप्लीट एंटर कर देनी है। एंटर करने के बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको नीचे एक चेंज का बटन दिख रहा है, बस आपको यहाँ पर चेंज के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स जैसे आप चेंज पर प्रेस करोगे तो आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर ईजिली चेंज हो जाएगी। पर फ्रेंड्स काफी सारे लोगों को यहां पर दिक्कत आती है जैसे वो चेंज करते हैं, पर फ्रेंड्स यहां से इनकी सक्सेसफुली अपडेट नहीं होती है ईमेल आईडी और वही ईमेल आईडी वापस से शो होने लग जाती है। तो फ्रेंड्स इस केस में आपको क्या करना है, सिंपल आपको कुछ नहीं करना, आपको कस्टमर केयर पर कॉल करना है ठीक है। फ्रेंड्स आप कस्टमर केयर पर कॉल करके इनको बोल सकते हो कि मुझे मेरी ईमेल आईडी मैंने चेंज के लिए यहां पर रिक्वेस्ट दी थी पर मेरी ईमेल आईडी चेंज नहीं हुई, अगर नहीं होती है तो फ्रेंड्स आपकी जो ईमेल आईडी है वो इजीली चेंज हो जाएगी सिंपल आपको यहाँ पर चेंज करने से। अगर नहीं होती तो आपको नीचे एक ईमेल आईडी दिख रही है help@snapmint.com ठीक है, इस पर आपको एक मेल कर देना है कि मुझे ईमेल आईडी चेंज करनी है ठीक है फ्रेंड्स। वैसे तो यहाँ पर 100% चांस है कि यहाँ से आप न्यू ईमेल आईडी डालोगे और आपकी चेंज हो जाएगी, पर फ्रेंड्स नहीं होती है तो आप इनके कस्टमर केयर को कॉल कीजिए और कॉल पर आप तुरंत इनको बता दीजिए कि मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट की और मेरी चेंज नहीं हुई, तो वो फ्रेंड्स आपकी तुरंत ही आपको जैसे आपकी कॉल पर ही आपकी ईमेल आईडी इजीली चेंज करके आपको बता देंगे ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी ईमेल आईडी को आसानी से चेंज कर सकते घर बैठे अपने मोबाइल से। आई होप आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही फ्रेंड्स अगर आपको और कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।